Good morning, viewers. Today we shall study about definition of soft skills. तो soft skills की क्या definition होती है? Soft skills are the set of personal qualities that enable a person to effectively interact with others. तो soft skills जो होती है हमारे अंदर की qualities होती हैं, एक इंसान के अंदर के गुण या qualities ये होती हैं, और उन्हीं गुणों के कारण वो इंसान जो है society में लोगों के साथ अच्छे ढंग से बातचीत कर सकता है, interact यानी बातचीत करना, अच्छे ढंग से बातचीत कर सकता है, face social life. और soft skills के द्वारा एक इंसान जो अपनी social life को society में लोगों के साथ जो लाइफ उसने बितानी है उस सोशल लाइफ को वो अच्छे ढंग से जी सकता है एंड परफॉर्म वेल इन वेरियस सर्कमस्टांसेस. और अलग अलग सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में आती हैं, अलग अलग जो सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं उनको भी हम अच्छे ढंग से फेस कर सकते हैं अगर हमारे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप्ड हो. तो दीज स्किल्स आर नेसेसरी फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. एक अच्छा पॉजिटिव काम काज करने का एनवायरनमेंट हमने बनाना है तो उस अच्छे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए जो है सॉफ्ट स्किल्स बहुत काम आते हैं. इट इंक्रीजेस टीम वर्क, इससे जो हमारा टीम वर्क भी बढ़ता है. एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स आर, तो सॉफ्ट स्किल्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? पहला हुआ कम्युनिकेशन स्किल्स भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है, यानी बातचीत करने की क्षमता भी सॉफ्ट स्किल्स में आती है. टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना, एक टीम बनाकर काम करना, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है. लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स, हमारे अंदर की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एक नेता बनने की जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, चीज़ों को मैनेज करने की जो क्वालिटीज़ हमारे अंदर है, वो भी सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं. एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी, अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को ढालना और लचीलापन, ये भी किस में आता है? सॉफ्ट स्किल्स में ही आता है. डीलिंग विद द चैलेंजेस, हमारी लाइफ में जो अलग अलग चैलेंजेस हमें मिलते हैं उन चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता भी हमें कहाँ से आती है? सॉफ्ट स्किल्स से आती है. चैलेंज की स्पेलिंग होनी CHALLENGE, सॉरी फॉर दिस. नेक्स्ट है वर्क एथिक्स. वर्क एथिक्स कामकाज को करने के जो नियम होते हैं वो भी सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं. टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अच्छे ढंग से मैनेज करना, कहीं लेट नहीं होना, ये सब भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है. और इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो सब भी किस में आती हैं? सॉफ्ट स्किल्स में ही आती हैं. थैंक यू सो मच व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.